वर्ष 2022 में थाना एत्माउद्दौला में दर्ज किए गए छेड़छाड़ के मुकदमे में थाना पुलिस द्वारा की गई विवेचना के आधार पर सीजीएम फास्ट स्पेशल कोर्ट द्वारा 4 वर्ष की सजा सुनाई गई है। महिलाओं से जुड़े मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही सभी विभागों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस महिलाओं से जुड़े मामलों को लेकर विवेचना के दौरान मजबूत लिखा पढ़ी कर रही थी, जिसके आधार पर पॉली मेडिकेयर कंपनी फरीदाबाद के जनरल मैनेजर पद पर तैनात संग्राम किशोर मलिक आरोपी के खिलाफ पुलिस सबूत के आधार पर उसे सजा सुनाई गई। इसके बाद पीड़िता ने न्यायालय का आभार जताते हुए इसे सत्य की जीत बताया है और कहा है कि सत्य की अंत में अवश्य ही जीत होती है। वर्ष 2002 में ये अभियोगिनी 2022 में अभियोगिनी एक कंपनी में काम करती थी, वहीं के मैनेजर ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, छेड़छाड़ की, जिसमें उसके खिलाफ 354 का 342 504 506 में और 354 में उसको सजा हुई है। 354 में 4 साल की साधारण कारावास और 4,000 रुपये दंड, 354 का में 2 वर्ष की सजा और 6 माह का कारावास और 2,500 रुपये का अर्थदंड, 342 में 6 माह का साधारण कारावास और 500 रुपये और 504 में 1 वर्ष का साधारण कारावास और 2,000 रुपये और 506 में 2 वर्ष का साधारण कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना दिया है। इस प्रकार इसको टोटल सारी सजाएं एक साथ चलेंगी तो अधिकतम सजा 4 साल की है। इस व्यक्ति को आज इसके किए का दंड मिल गया और ये सीजीएम कोर्ट से आज दिनांक 30/8/2024 को सीजीएम कोर्ट आगरा द्वारा छेड़खानी का आरोपी संग्राम किशोर मलिक, जो मौजूदा समय में जीएम है पॉली मेडिक्योर कंपनी फरीदाबाद में, उसको 4 वर्ष की सजा का के कारावास से और 4,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आईपीसी की धारा 354 में 354 ए में इसे 2 वर्ष 6 माह के एवं 2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। धारा 382 आईपीसी में इसे 6 माह के साधारण कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। धारा 504 आईपीसी में इसे 1 वर्ष का साधारण कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। धारा 506 आईपीसी में इसे 2 वर्ष के साधारण कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत 2022 में थाना एत्माउद्दौला आगरा में पंजीकृत किया गया था। आज इस केस में निर्णय हुआ है जिसमें ये इसे सजा मिली है 4 वर्ष की। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हर रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।